नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले बैंक्रप्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDL यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे 19 सितंबर को बहुत ही बड़ा यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। तो कौन सा मीटिंग है, यहाँ पे कंपनी को और उसके शेयर होल्डर को कैसे फायदा होगा, वो पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। उससे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे बैंक्रप्ट कंपनी ऊपर से पेनी स्टॉक है, ऐसे स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो सेम रहता है, तो आप लोगों को पता रहेगा ऐसी कंपनी अगर सक्सेसफुली NCLT से बाहर आ जाएगी तो स्टॉक वापस एक नई उम्मीद से सब भागेगा और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका उल्टा होता है तो स्टॉक वापस से एक रुपए के नीचे जाएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी होने के बाद डिलिस्ट भी हो सकते हैं। तो रिस्क है, रिवॉर्ड आपके ऊपर डिपेंड है, कितना पैसा लगाना है, खुद का स्टडी और एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा HDL ने बहुत सारे बैंक से लेंडर से कर्जा लेता अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस नहीं उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंपनी ज्यादातर यहाँ पे लॉस में जा रही थी, इसके वजह से कर्जा डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद जो भी बैंक से लेंडर से NCLT के पास चले गए, NCLT मतलब होता कौन है, एक कोर्ट जैसा रहता है, जो भी NCLT ऑर्डर देगी यहाँ पे बैंक्रप्ट कंपनी एज वेल एज लेंडर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है इसी से रिलेटेड है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के पढ़ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 13 सितंबर को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके CIRP, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बैंक्रप्ट कंपनी के लिए। तो आगे भी न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 25th मीटिंग होने वाली कमिटी ऑफ क्रेडिट यानी कॉक की, तो इसमें कॉक में होता कौन है, जब भी बैंक से लेंडर से जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे HDL को पैसा दिया था उनके कमिटी रहती है। यहाँ पे कमिटी क्या करती है, यहाँ पे जो बैंक्रप्ट कंपनी इसको बचाने के लिए एक अच्छा रेशन प्लान पास करने की कोशिश करती है। तो जो मीटिंग है यहाँ पे 19 सितंबर को होने वाले, बहुत ही बड़ा मीटिंग है। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा आउटकम आता है तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे उछाल आ सकता है स्टॉक में, स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे ईप और एल्स वाले कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर रेशन प्लान पास होगा तो आगे जाके स्टॉक लगातार यहाँ पे अपर सर्किट में भाग सकता है और यहाँ पे आपको बहुत बड़े रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, अगर रेशन प्लान फेल होता है तो स्टॉक वापस से यहाँ पे नीचे जा सकता है और यहाँ पे आगे जाके लिक्विडेट हो सकते हैं और यहाँ पे जो स्टॉक डिलिस्ट हो सकते हैं। तो रिस्क है, रिवॉर्ड है, और आप लोगों को पता रहेगा जब भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है जो ट्रेडिंग है यहाँ पे सस्पेंड किया जा सकता है आने वाले समय में। सस्पेंड मतलब क्या, जैसे कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनी में हो रहा है, जैसे कि बिरला टायर में हुआ है, उसके बाद यहाँ पे अपने बीच में देखा रहेगा आरकॉम में, रिलायंस कैपिटल में हुआ है, उसके बाद बड़े बड़े स्टॉक के साथ ऐसा हो चुका है। जब भी यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिट की मीटिंग रहती है स्टॉक आने वाले समय में यहाँ पे ट्रेडिंग है उसका सस्पेंड किया जाता है। देखिए ट्रेडिंग सस्पेंड होना अलग रहते हैं और डिलिस्ट होना अलग रहते हैं। अभी तक स्टॉक डिलिस्ट नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सस्पेंड मतलब क्या होता है, टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर जो ट्रेडिंग है यहाँ पे बंद किया जाता है, तो आगे जाके ट्रेडिंग नॉर्मल स्टार्ट हो सकते हैं। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कितना पैसा लगाना है, ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा पैसा मत लगाए। 6 रुपये का स्टॉक आगे जाके 12 रुपये हो जाएगा अगर आपको ऐसा लगता है, तो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं होने के लिए। स्टॉक मार्केट में कुछ हो सकता है, जैसे कि ऑपरेटर चाहे तो इससे स्टॉक को 6 रुपये से 600 रुपये तक भगा सकते हैं, लेकिन गिरा भी सकते हैं, आपके माइंड में होना ज़रूरी। तो ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।